हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम क्वेरी सेलेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्वेरी सेलेक्टर यूज करता है जो हम सीएसएस में सेलेक्टर को यूज करते हैं। ओके, जैसे आपको सीएसएस में स्टाइल अप्लाई करना है किसी एलिमेंट पे, तो जो आप फॉर्मेट यूज करते हो किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, वही फॉर्मेट यहाँ पर यूज होता है। ओके, आप सीएसएस में किस तरीके से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो, यदि आप आईडी के थ्रू सेलेक्ट करते हो तो सिंपली क्या लिखते हो, हैशटैग लिखते हो और आईडी का नाम लिखते हो। ओके, सिमिलरली यदि आपको क्लास में सेलेक्ट करना है तो सिंपली डॉट लिखते हो और क्लास का नाम लिखते हो, ठीक है। यदि आपको टैग के थ्रू सेलेक्ट करना है तो सिंपली टैग का नाम लिखते हो। यदि आपको टैग विथ सीएसएस क्लास लिस्ट सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हो। यदि आईडी के थ्रू सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से, ये सारे फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप सीएसएस सेलेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। सीएसएस के थ्रू आप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो जो क्वेरी सेलेक्टर है, ये क्वेरी सेलेक्टर में आप ये सारी मेथड, ये सारे जो फॉर्मेट है, इसको यूज करके आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, एक है क्वेरी सेलेक्टर एंड दूसरा है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। जो क्वेरी सेलेक्टर है, सपोज करो हमारे पास ये पी टैग है जिसके पास सेम क्लास है, यदि मैं इस क्लास के थ्रू इस पी टैग को एक्सेस करूँगा तो हमारे पास तो दो एलिमेंट है। तो यदि आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, जो सबसे पहला एलिमेंट है ये उसी को रिटर्न करेगा, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, वो एक अरे को रिटर्न करेगा जिसमें जिस सेलेक्टर का आप यूज किए हो वो इस पेज में जितने टाइम्स होंगे उन सबको एक अरे में रैप करके आपको रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए हमको इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे ताकि हमारा कंसोल विंडो ओपन हो जाए। एंड यहाँ पे मैं क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपली हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ओके, अब यहाँ पे हमें उस सेलेक्टर को पास करना है। अब यहाँ पे वो सारे सेलेक्टर यूज कर सकते हो जो आप सीएसएस में यूज करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने H1 में डेमो दिया है, ठीक है। तो हम सीएसएस में किस तरीके से एक्सेस करते हैं किसी एलिमेंट को आईडी के थ्रू, हम हैशटैग देते हैं और आईडी का नाम देते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डेमो, आप देख सकते हो हमारा H1 सेलेक्ट हो गया है। ओके, यदि मैं यहाँ पे पी टैग को सेलेक्ट करना चाहूँगा तो आप देख रहे हो कि हमारे पास दो पी टैग है, एक ओके, तो सबसे पहला वाला जो पी टैग है इसने उसी को रिटर्न किया है। ओके, पी टैग में हमारे पास सीएसएस भी है तो पी डॉट सीएसएस का नाम हम लिख देते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं जैसे कि हम सीएसएस में करते हैं। आप देख सकते हो कि इसने इस तरीके से भी, तो यहाँ पे जो हम नेम पास करते हैं ना, यहाँ पे आप सीएसएस में जिस तरीके से किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हो वो सारा यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर सकते हो। ओके, तो ये अभी आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, सबसे पहला एलिमेंट चाहे इस क्लास से इस पेज में मल्टीपल एलिमेंट अवेलेबल हो, ये क्या करेगा, सबसे पहला वाला एलिमेंट को ही ये रिटर्न करेगा। ओके, अब देखते हैं कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है। सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल लिख देंगे। अब देखिए इसने क्या किया, इसने किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को नहीं रिटर्न किया, इसने पी डॉट पी जिसके पास क्लास है सीएसएस सेलेक्टर, ये इस पेज में जहाँ भी अवेलेबल होगा उन सबको एक अरे में रैप करके आपको रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। यदि मान लो आपको इसमें से लास्ट वाला एक्सेस करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, डॉट यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर आपको पास करना होगा एंड इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1। तो आप देख सकते हो 1 नंबर पे हमारा दूसरा वाला जो सेलेक्टर है, जो हमारा एलिमेंट है, वो सेलेक्ट हो गया है। ओके, सो आई होप कि आपको क्वेरी सेलेक्टर समझ में आया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से ऐसे वीडियो बना करके ऐसे ही आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।